हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी के लिए रीजनिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करें, किस तरीके से जीरो लेवल से लेकर के 100% मार्क्स, 100 के 100 मार्क्स आपके आ जाएं, इसके बारे में आज बात करेंगे। और आज की वीडियो देखने के बाद 50% स्कोर तो वैसे इंप्रूव हो जाएगा, सही रास्ता ही नहीं पता। यार, एक बच्चा सड़क पे दौड़ता है और एक बच्चा खाली खेत में दौड़ता है, तो स्पीड तो दोनों की अलग होगी ना। खेत वो भी ऐसा जिसमें रेत ही रेत है, बहुत ज्यादा रेत है, चला भी नहीं जा रहा, दौड़ना तो दूर की बात है। रास्ता सही नहीं पता ना, खेतों से होते हुए जाओगे तो फिर कहीं ना मंजिल मिल पाएगी। ठीक है, तो यानी कि सही रास्ता आज 50% मार्क्स तो बिना तैयारी किए बिना पढ़े मार्क्स आ जाएंगे 50%। तो आज इस तरीके की बातें होंगी, तो कैसे स्ट्रॉन्ग करें हम रीजनिंग को, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके बारे में जानना बहुत जरूरी है, मुझे भी और आपको भी। तो अपना जो भी स्कोर कार्ड है, जो भी स्कोर आपका आता है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, ताकि हर बच्चे को अलग तरीके से मैं गाइड कर पाऊं। देखो बच्चे, हाथी की चाल अलग है और चीते की चाल अलग है, मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, और हर बंदा अलग लेवल का है, लेकिन आपके लेवल के अकॉर्डिंग मैं आपका रास्ता जरूर बना दूंगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर करें, पहले अपने बारे में तो जान लें, रीजनिंग में मार्क्स कितने आते हैं, उसके अनुसार जितने भी मार्क्स आए, भाई जीरो आए, नेगेटिव आए, कुछ आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ तो आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा यार, जीरो आ जाएंगे, आने दो। लेकिन आप अपना 4 से 5 मॉक टेस्ट का स्कोर जरूर लिखें, रीजनिंग का जरूर 4 से 5 मॉक टेस्ट का स्कोर लिखें। उन 4 से 5 मॉक टेस्ट में डिटेल्ड में एनालिसिस करें कि किस टॉपिक से आपके मार्क्स कटे हैं, किस टॉपिक से आपके मार्क्स नहीं कटे। 3 लिस्ट बन के आएंगी, एक तो वो टॉपिक बन के आएंगे जो बिल्कुल कमजोर हैं, जो बिल्कुल कमजोर हैं, वो मतलब जिसमें से मार्क्स आए नहीं, या तो उसमें 0 मार्क्स आए या फिर 50-50 मार्क्स आए, मतलब सोल्व करते वक्त भी प्रॉब्लम आ रही थी कि यार ये टॉपिक तो मेरे को आ नहीं रहा, यार ये टॉपिक तो मेरे को नहीं आता, इस टॉपिक में मेरे को कमजोर लग रहा है। दूसरा, आप एवरेज सामान्य जो टॉपिक हैं, एवरेज जो टॉपिक हैं, उन टॉपिक की लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाएं बच्चे, अलग अलग लिस्ट बनाएं, उन टॉपिक का लिखें अपनी डायरी में, जरूर लिखें कि मेरे कमजोर ये हैं, मेरे एवरेज ये हैं और मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक ये हैं। उस डायरी का कमेंट बॉक्स में भी लिख दें, थोड़ा मेहनत तो लगेगी ताकि मैं रास्ता तो बना सकूं कि मेरे कमजोर टॉपिक ये हैं, मेरे एवरेज टॉपिक ये हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक ये हैं। ये आपको टॉपिक वाइज लिस्ट मिल गई, टॉपिक वाइज लिस्ट मिल गई। ठीक है, जैसे आपके टॉपिक वाइज लिस्ट मिल जाए, फिर हम टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करते हैं उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे। एवरेज वो हैं जो 60-80% या 80% से अबव, स्ट्रॉन्ग वो हैं जो 100% मार्क्स दिलाते हैं या 90% मार्क्स दिला रहे हैं टॉपिक। ये टॉपिक की लिस्ट जरूर बना लें, अपने पास जरूर रखें, इससे आपको पता चल गया, फिल्टर होके आ गया कि कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सा विषय आपका सामान्य है और कौन सा विषय आपका बहुत मजबूती से आपके साथ खड़ा है, कौन सा जो टॉपिक है कौन सा, वो आपको पता चल गया। ये आपके बारे में पता होना जरूरी है, सबसे पहले अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है, गलती पहली यही होती है, खुद के बारे में पता है नहीं, तैयारी करनी शुरू कर दी, चलो तैयारी करते हैं, चलो यूपीएसआई, अब की बार यूपीएसआई पार, चलो तैयारी करते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले अपने बारे में जान लें। अब रीजनिंग अगर स्ट्रॉन्ग करनी है ना बच्चे, तो बैंकिंग रीजनिंग जरूर स्ट्रॉन्ग करनी है, और बैंकिंग रीजनिंग में भी ये नहीं कि सारी बैंकिंग रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लो, कुछ टॉपिक हैं, बैंकिंग रीजनिंग बहुत बड़ी है, लेकिन उसके कुछ टॉपिक लेकर के आया हूं। देखो बच्चे, मैं आपको डराना चाहूं ना तो आज मैं इतनी लंबी लिस्ट बना करके डरा दूं, डराते भी हैं, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, अरे फिल्टर करके बता दो ना यार बच्चे को, आसान नहीं करो, मुसीबत बढ़ानी है क्या? कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, क्योंकि लोग स्टूडेंट डरते बहुत ज्यादा हैं, पर मैं डराने नहीं आया, मैं आपको सही रास्ता दिखाने आया हूं। ये वो बैंकिंग रीजनिंग के टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने जो आएंगे रीजनिंग में,
इनपुट आउटपुट आएगा, डाटा सफिशियंस इनपुट आउटपुट तीन क्वेश्चन पक्का, डाटा सफिशियंस तीन क्वेश्चन पक्का, डिसीजन मेकिंग तीन क्वेश्चन पक्का, और कॉजन इफेक्ट एक या दो क्वेश्चन पक्का, स्टिमुलस एक या दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन सिलोजम दो या तीन क्वेश्चन, सिटिंग एलिमेंट एंड पजल पांच या छह क्वेश्चन पक्का। ये टॉपिक ऐसे है ना, एक बार अगर आपने मेरी वीडियो देख ली ना, सिर्फ एक बार डाटा सफिशियंस की सिर्फ एक वीडियो आधे घंटे की, आधे घंटे समझ लिया ना, हजार क्वेश्चन कर लेना, 5000 कर लेना, 10000 कर लेना, एक भी मार्क्स कोई काट के दिखा दे। डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना सिर्फ एक टॉपिक एक घंटे की, एक टॉपिक एक वीडियो, हजार कर लेना, 10000 कर लेना, डिसीजन मेकिंग में कोई मार्क्स काट के दिखा देना। ये टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा फोकस करना, बैंकिंग वाले आएंगे पूरे मार्क्स दिलाएंगे, पूरे मार्क्स आएंगे, ये टॉपिक ऐसे हैं। अब इनको तो सबसे ज्यादा फोकस रखना ही रखना है, इन टॉपिक पे तो इन पे तो सबसे ज्यादा मेहनत करनी ही करनी है, मैक्सिमम मेहनत भी कितनी, ये नहीं कि हजार क्वेश्चन लगा रहे हो, मेहनत सिर्फ मेरे क्लास नोट्स, बस इतनी सी मेहनत, दो तीन चार पांच छह बार, बस इतनी सी मेहनत, प्लस मैंने जो वीडियो डाल रखी है इन टॉपिक की, वो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, वो बस रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल जो है उस पर पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। इतनी सी मेहनत करनी है, भटक क्यों रहे हो यार, मैं हूं ना रीजनिंग में पूरे के पूरे मार्क्स दिलाने के लिए, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। अब टॉपिक जिनमें आपके पूरे मार्क्स ले सकते हो, कम मेहनत में पूरे मार्क्स ले सकते हो, कम मेहनत में, कोडिंग डिकोडिंग, सिर्फ क्लास नोट्स करने की जरूरत है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की जरूरत है। अरे मैं आपको डरा दूं, ये बुक भी कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, एक वो टीचर हम पता नहीं क्या नाम है उनका, इतनी सारी लिस्ट बना दी ना टॉपिक की, इतनी सारी, अरे मैं 52 टॉपिक 60 टॉपिक 100 बना दूंगा मैं ऐसे, तो फिर तो ऐसे भी लिख दो भाई, लेटर कोडिंग अलग, नंबर कोडिंग अलग, सिंबल कोडिंग अलग, सीरीज में लिख रखा, नंबर सीरीज अलग, लेटर सीरीज अलग, वर्ड सीरीज अलग, है तो सीरीज ही श्रृंखला ही ना, फालतू में लिस्ट बढ़ाने का काम, फालतू में स्टूडेंट को डराने का काम, स्टूडेंट डरते हैं, अरे 52 टॉपिक 60 टॉपिक 65 टॉपिक इतने तो सुने भी नहीं। भाई मैं जो आज बता रहा हूं ना वो फॉलो कर लेना, बस कुछ जरूरत ना है डरने की, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग सिर्फ क्लास नोट्स, मेरे जो क्लास नोट्स हैं वो, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, और डिसीजन मेकिंग सिर्फ क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर भी मत करो, मत पढ़ो, कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत करो, सिर्फ क्लास नोट्स। डेटा सफिशियंस सिर्फ क्लास नोट्स, कुछ मत पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस मत करो, जाओ पूरे मार्क्स ना आए ना तो आ जाना। इनपुट आउटपुट सिर्फ क्लास नोट्स, प्लस प्रीवियस ईयर और कर लेना, पूरे मार्क्स आएंगे। डॉट सिचुएशन क्लास नोट्स, एक भी टॉप, एक भी क्वेश्चन मत सोल्व करके जाओ, जाओ पूरे मार्क्स आएंगे, सिर्फ क्लास नोट्स। डॉट सिचुएशन सिर्फ जो मैं पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन सोल्व करके मत जाना, वहां गलत नहीं होगा, जाओ आराम करो, रिलैक्स रहो, मैं हूं ना। सिलोजम सिर्फ क्लास नोट्स, बार बार, मैनी टाइम, चार पांच बार। मेरा जो तरीका वो ध्यान रखना, मेरा जो तरीका, मेरा खुद का कंसेप्ट, आजकल कॉपी तो करने लग गए लेकिन डेप्थ लेवल थोड़ी ना पता है, कंसेप्ट मैंने बनाया है तो कॉपी कर लो कितना। कोडिंग इक्वलिटी सिर्फ क्लास नोट्स, एक भी क्वेश्चन मत करके जाओ, जाओ। अरे देखो सबसे ज्यादा मार्क्स पूरे मार्क्स दिलाएंगे, सिर्फ मैक्सिमम में मैं जो पढ़ाऊंगा वो, और सिर्फ दो टॉपिक में मैंने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, इतना सा पढ़ना है भाई। रीजनिंग में 100 मार्क्स दिलाऊंगा, और गारंटी 2017 में भी दिलाए थे, गारंटी कर रहा हूं, गारंटेड, रिटर्न में ओपन पूरे मार्क्स आएंगे इन टॉपिक से। ये एसएससी वाली रीजनिंग है। अल्फाबेट सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ना है, कैलेंडर, काउंटिंग फिगर, डाइस, रैंकिंग, डायरेक्शन, एज, इन सब में क्लास नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब बात करते हैं 2017 की, कि सर क्यूब के तो क्वेश्चन आए नहीं थे, क्लॉक से क्वेश्चन आए नहीं थे, ठीक है, डाइस से देखने को मिले थे, कम देखने को मिले थे, तो क्या ये टॉपिक करने चाहिए। देखो बच्चे ऐसा होता है, मैं मान लो किसी डेट को मैं एग्जाम दे रहा हूं, मान लो मैंने एग्जाम दिया 1 जुलाई को, एक बच्चे ने एग्जाम दिया 2 जुलाई को, तो हो सकता है 1 जुलाई को क्यूब ना आए, 2 जुलाई को आ जाए, हो सकता है 2 जुलाई को क्लॉक ना आए, 3 जुलाई को आ जाए, एग्जाम्पल है, मतलब किसी और शिफ्ट में किसी और डेट पर आ जाए,
हम देखिए यार 100 में से 100 मार्क्स दिलाने हैं ना, आज मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, तो मैं एक आम एक भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। ये नहीं सोच सकते कि पिछली बार नहीं आया था तो अब की बार नहीं आएगा, आ गया तो अरे भाई मार्क्स कट गए तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना यार, आपके मार्क्स कट गए तो कि मेरे से पढ़े और 100 मार्क्स ना आए, मेरी गाइडेंस मेरे 100 मार्क्स ना आए, क्या फायदा। तो ये टॉपिक सिर्फ क्लास नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो मैं आपको पीडीएफ और बुक प्रोवाइड कराऊंगा, बस फालतू का मत बाउंडर मचाना अपने दिमाग में, फालतू में मत डरना, बहुत आराम से रिलैक्स होकर के रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सिर्फ क्लास नोट्स और प्रीवियस टॉपिक लिख लेना ये, ठीक है, पूरे मार्क्स दिलाएंगे ये टॉपिक। अब मिरर इमेज पेपर कटिंग एम्बेडेड कंप्लीशन सिंबल एंड नोटेशन, सिर्फ क्लास नोट्स प्लस 200 to 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, दो सौ से तीन सौ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बहुत है, मोर देन एनफ है, पूरे मार्क्स आने हैं, ये कहीं मार्क्स नहीं कटने भाई, इन क्लास नोट्स है ना, इससे बाहर कुछ आने ना दूं मैं, ये जो मेरे देखो यार, मेरे अगर क्लास नोट्स नहीं पढ़े हैं जिस बच्चे ने, तो प्लीज एक बार जरूर पढ़ करके जाना, एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार मन करे बार बार। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, सर आपने जो बोला था ना सिर्फ क्लास नोट्स रिवाइज किए थे सारे हो गए थे, इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना। मिरर इमेज वाटर पेपर कटिंग एमिडिटिव कंप्लीशन फिगर सिमिलर फिगर, ये फिगर वाले क्वेश्चन है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। वर्ड अरेंजमेंट वर्ड फॉर्मेशन सिंबल एंड नोटेशन बड़े आसान है, एक बार सीख लोगे जिंदगी में नहीं आ पा रहे, बस एक बार सीखने की जरूरत है, अगर नहीं सीखे हैं तो जरूर। अब बात करते हैं वो टॉपिक जिनकी ज्यादा प्रैक्टिस है, देखो एक लिस्ट बना दी वो टॉपिक जिनमें कम प्रैक्टिस की जरूरत है, पूरे मार्क्स 50% मैंने बोला ना आज की वीडियो से आ जाएंगे, इससे पहले वाले टॉपिक पूरे मार्क्स दिलाएंगे, बस 100-150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर जाओ, कुछ ना करना और पूरे मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वो टॉपिक जिनकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, सिलोजियम कोडिंग डिकोडिंग सिटिंग अरेंजमेंट। अब सिटिंग अरेंजमेंट दो लेवल की है, एक तो नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट है, एक हाई लेवल है जो मैं कराता हूं, ठीक, एक नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट एक हाई लेवल, सेम पजल भी दो लेवल की है, एक नॉर्मल है एक हाई लेवल है। ज्यादा फोकस किस पे रखना है, सब पता क्या बोलते हैं हाई लेवल पे, ज्यादा फोकस रखना है इस पे, कम फोकस हाई लेवल पे रखना है। जबकि मैं क्लास नोट्स में जो पढ़ाऊंगा आपको उस पे ज्यादा फोकस किस पे रखूंगा, हाई लेवल पे। तो आपको नॉर्मल पे रहने के लिए क्यों बोला मैंने, वो इसलिए बोला बच्चे देखो मैं आपको हाई लेवल पढ़ा दूंगा, आप नॉर्मल लेवल स्ट्रॉन्ग कर लोगे, हाई लेवल आने के चांस कम होते हैं, क्योंकि हाई लेवल अगर आ भी गया तो 99% बच्चे तो जो मेरे से नहीं पढ़ रहे वो तो गए, वो तो फेल। जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नहीं करके आएंगे, मतलब बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं करके आएंगे। एक क्वेश्चन है जिसको कोई नहीं कर रहा उसको अगर आप छोड़ते हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक क्वेश्चन जिसको सब कर रहे हैं उसको आप छोड़ते हो तो फर्क पड़ेगा। तो हाई लेवल मैं करा दूंगा, बट आपको नॉर्मल लेवल की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, क्योंकि आएगा यही नॉर्मल लेवल की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। डराने के लिए तो मैं बोल दूं हाई लेवल प्रैक्टिस करके जाओ, ये करके जाओ, वो कर ना भाई, मैंने बताया ना 100 में से 100 दिलाने, ब्लड लेसन अच्छे, इसमें ब्लड लेसन के साथ साथ कोडेड रिलेशनशिप जरूर कर जाना। कोडेड रिलेशनशिप देखो हिंदी में नहीं लिखे, मैंने ये बता देता हूँ, सिलोजम को सिलोजम ही बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग सिटिंग अरेंजमेंट बैठ की व्यवस्थीकरण, पजल जो है आपके ब्लड लेसन, रक्त संबंध जो है, वेन डायग्राम, वेन आरेख, अजम्पशन होते हैं, अवधारणाएं, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल प्योर हिंदी में भी, मेरे को पता आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो। कॉन्क्लूजन होते हैं निष्कर्ष, आर्गुमेंट होते हैं तर्क वितरक, ठीक है। ये जो टॉपिक है ब्लड लेसन, इसमें कोडेड रिलेशनशिप का मतलब है, परसेंटेज का मतलब है, ए परसेंटेज बी, ए पी का पिता है, बी परसेंटेज सी, बी
सी का बेटा है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा फोकस करके जाना। ठीक, वेन आरेख जो है, वेन आरेख इनमें क्या करना है, सिर्फ सिर्फ 100-150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है, अजम्पशन कंक्लूजन आर्गुमेंट मैक्सिमम मोर एंड मोर जितने सोल्व कर सको। इसमें मैंने नहीं लिखा क्लास नोट्स, क्लास नोट्स भी करने हैं, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर भी करने हैं, उसके साथ साथ जितने आप सोल्व कर सको। सोल्व करते वक्त मैं तो कह रहा हूं इनमें कम टाइम लगाओ। कम टाइम का मतलब सीधा क्वेश्चन पढ़ो और उसका सॉल्यूशन पढ़ दो, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं बच्चे, थिंकिंग बेस्ड होते हैं। जब तक आपकी सोच नहीं बदल सकती तब तक ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो पाएंगे। इन टॉपिक पे मैक्सिमम सॉल्यूशन पढ़ो। ठीक है, टॉपिक जिनकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कोर्स ऑफ एक्शन, इस पे भी वही सेम। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कि आप कैसे एक्शन ले सकते हो, किस तरीके से एक्शन लेना है, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, अब जो मैं बता रहा था ना, बहुत सारे इसमें पता क्या करते हैं, सीरीज में टॉपिक लिस्ट बना देते हैं कुछ टीचर, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, वर्ड सीरीज, सब्जेक्ट सीरीज, ये सीरीज, वो श्रृंखला, वो श्रृंखला, टॉपिक बन गए 6। यार क्या है, क्यों डरा रहे हो बच्चों को? सीरीज है भाई, श्रृंखला, एक फिगर सीरीज है, फिगर की श्रृंखला है तो श्रृंखला ना। मिसिंग नंबर एनालॉजी, ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन। मिसिंग नंबर का मतलब है लुप्त संख्या, एनालॉजी का मतलब है सादृश्यता, ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन का मतलब है चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से एक डिफरेंट, चार दे रखे हैं उसमें से एक डिफरेंट। सीरीज में वर्ड सीरीज पे ज्यादा ध्यान देना, वर्ड सीरीज का मतलब है लेटर सीरीज नहीं, एक वर्ड दे रखा, दूसरा वर्ड दे रखा, तीसरा वर्ड दे रखा, पूरा पूरा एक शब्द सीरीज, शब्द दो की श्रृंखला, पूरा शब्द, उसमें कैसे फोकस करना है। नंबर सीरीज पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, इनमें क्या करना है, सिर्फ क्लास नोट्स प्लस एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन टॉपिक में क्लास नोट्स प्लस एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी एसएससी की सीरीज आई है, जितने भी एसएससी की मिसिंग नंबर आए, जितने भी एसएससी के एनालॉजी आए हैं, जितने भी एसएससी के ऑड वन आउट आए, मेरी बुक में एक चैप्टर के हजार हजार क्वेश्चन दे रखे हैं, सिर्फ एसएससी वाले करके जाना। नहीं आप पार है रीजनिंग में, टेंशन ना लो, सही तरीके से अगर आप करोगे तो। अब रीजनिंग टेस्ट एनालिसिस आप करोगे, रीजनिंग टेस्ट एनालिसिस करोगे कि आप कौन से लेवल पे आप आ रहे हो, आप कमजोर हो, सामान्य हो, बुद्धिमान हो। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि आप कमजोर हो, सामान्य हो? अगर आपके रीजनिंग में क्वेश्चंस ये 0 से 15 क्वेश्चंस लिखे हैं, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 में से अगर आप 0 से 15 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप अभी भी कमजोर हो, 20 से 30 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो अभी भी आप कमजोर हो, 35 से प्लस क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो बुद्धिमान हो। अब यहां जो गैप छोड़ दिया 15 से 20 और 30 से 35, ये वो बच्चे हैं जो ना कमजोर हैं ना सामान्य हैं, सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 30 से 35 वो बच्चे हैं जो ना तो सामान्य है ना बुद्धिमान है, लेकिन सामान्य से बुद्धिमान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लिस्ट आपकी बनेगी। ठीक है, इन बच्चों को क्या करना है, इन बच्चों को एक बैच अच्छे से ज्वाइन करना है, एक अच्छे से बैच ज्वाइन करना है, उसके क्लास नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और क्लास नोट्स 3 से 4 बार करने हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। कौन से एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं वो अभी बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, ये भी 3 से 4 बार लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो बुक है मेरी रीजनिंग गुरु, उस बुक के सारे क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस, या जो भी बुक आपके पास है, जो भी बुक है, 3 से 4 बार लगाने हैं। इन बच्चों को वही करना है जो सामान्य वालों को करना है। सामान्य वालों को क्या करना है, इनको क्या करना है, इन्होंने अगर क्लास नोट्स कर रखे हैं तो द बेस्ट, नहीं तो क्लास नोट्स करने हैं। क्लास नोट्स नहीं कर रखे, कर रखे हैं 3-4 बार तो द बेस्ट, नहीं कर रखे तो क्लास नोट्स। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर आपको बुक सॉल्व करनी है, जो भी बुक आपकी आपके पास बुक है, बुक्स सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, सारे के सारे क्वेश्चन 3 से 4 बार। ठीक है,
इन बच्चों को क्या करना है, 30 से 35 वालों को, इनको भी वही करना है जो ये करना है, साथ में मॉक टेस्ट ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जो स्ट्रोंग होंगे, बुद्धिमान होंगे, उनको क्या करना है, उनको वीक टॉपिक निकालना है आपका। हो सकता है रीजनिंग पूरी आती है, इनपुट आउटपुट नहीं आता, हो सकता है रीजनिंग पूरी आती है लेकिन रक्त संबंध में प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है रीजनिंग पूरी आती है लेकिन पजल सोल्व नहीं कर पा रहे, ठीक, ऐसा कुछ टॉपिक निकल के आएंगे। वीक टॉपिक का वही काम, अब आपका पूरी रीजनिंग आ रही है लेकिन आपको इनपुट आउटपुट नहीं आ रहा, तो इनपुट आउटपुट में आप कमजोर हुए ना, तो कमजोर हुए तो वही काम करना, क्लास नोट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको पूरी रीजनिंग आ रही है, आपको रक्त संबंध नहीं आता, रक्त संबंध पूरे, वही कमजोर हुए ना। वीक टॉपिक में तो यही करना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ, वीक टॉपिक में तो वही करना है जो कमजोर छात्र करेगा, ठीक है, यानी कि क्लास नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस, ठीक। स्ट्रॉन्ग टॉपिक के क्या करना है, एक सेकंड भाई क्या हो गए, एक ठीक है आ गया भाई आ गया। स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या क्या करना है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा उसके सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने, ज्यादा से ज्यादा उन उन टॉपिक के फटाफट 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 प्लस प्रीवियस ईयर ज्यादा से ज्यादा, बस ये काम करना है। ये स्ट्रॉन्ग, ये बच्चे 40 के 40 क्वेश्चन करेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स लेंगे बच्चे, इन बच्चों को इसमें पहुंचा दूंगा, ये फॉलो कर लिया तो इन बच्चों को इसमें पहुंचा दूंगा। और फिर जैसे ये बच्चे इसमें पहुंच गए, इन बच्चों को फिर इसमें पहुंचा दूंगा, बस शर्ते मेरे नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करके देना, मेरी वीडियोज अच्छे से देखना, अच्छे से सीख के जाना, ठीक है बच्चे। तो जो मैं बुक बता रहा था वो बुक ये है बच्चे, तीन बुक हैं, देखो मैंने बताया ना, एसएससी की अलग तैयारी करनी, बैंक की अलग तैयारी करनी, ये वो बुक है जिसमें एसएससी के टॉपिक होंगे, मतलब इसी बुक से बाहर आपका यूपीएसआई में नहीं आना। ये जो बुक है वो बैंक पीओ वाले जो चैप्टर बताए थे प्लस यूपीएसआई, देखो यूपीएसआई के जो बुक है, ये टोटली जो फोकस्ड रहेगा वो यूपीएसआई फोकस्ड रहेगा। और अभी ये जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, एसएससी वाली बाद में लेके आऊंगा, अभी यूपीएसआई आ रहा है, यूपीएसआई के लिए लेकर के आ रहा हूँ, यूपीएसआई के लिए लेकर के आ रहा हूँ। ये तीन बुक आ रही हैं, अमेजन पे भी मिल जाएंगी आपको, मेरी एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे, आरजे विक्रमजीत पे। इन तीनों बुक से बाहर आपको कुछ नहीं आना। इसमें मैंने अपने क्लास नोट्स रखे हैं, जो मेरे खुद के अपने जनरेट किए हुए नोट्स रखे हैं, ठीक है, अपना खुद का कंसेप्ट रखा है, ठीक। तो और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, वो मैं आपको आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने मेरा बैच नहीं लिया है तो आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पे कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। फीस जो वो अभी बहुत कम है, वैसे फीस 2000 है लेकिन अभी कम कर रखी है आप लोगों के लिए, ठीक, फीस 2000 ही रहेगी। मुखर्जी नगर में तो ऑफलाइन में 7000 रहती है, मुखर्जी नगर से ही लाइव चलेगी, जो मुखर्जी नगर में पढ़ाऊंगा वही क्लासरूम से ही लाइव पढ़ाऊंगा, सेम मतलब वही कंटेंट आपको मिलेगा। ये नहीं कि 1100 रुपए फीस है तो कंटेंट कम मिलेगा, अरे आपका सिलेक्शन करवा दिया तो आपके 10 भाइयों की फीस मिलेगी, और आपका सिलेक्शन नहीं कराया तो सिर्फ आपकी मिलेगी, इसलिए मुझे तो आपका कराना है ना भाई। तो ऐसा नहीं है कि फीस कम है तो कंटेंट कम मिलेगा, सारी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मैं तो रीजनिंग का भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कॉम्बो फीस कम रखी है हमने, ठीक है। मैथ्स आदित्य सर कराएंगे बड़ी डिटेल में, बहुत डिटेल में, सारे टीचर्स जितने भी आपने नाम सुने उन सारे टीचर्स के नोट्स करवाएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से एग्जाम लगाने हैं। देखो बच्चे, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, लेखपाल और वीडियो के एग्जाम लगाने हैं आपको, ये तो सारे मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने। अभी मॉक टेस्ट लेटेस्ट लगाने, ये नहीं कि 10 साल पहले लगाओ, लेटेस्ट का मतलब है जो अभी जस्ट लेखपाल हुआ है, वो चाहे कितने ही साल पहले हुआ हो, अभी जो यूपीएसआई हुआ है। अब मुझे पता है कि यूपीएसआई 2017 में हुआ था तो वही लगाना है यूपीएसआई 2, क्योंकि उससे पहले वाला सिलेबस अलग था। अभी जो लेखपाल हुआ है उसमें अच्छे लेवल की रीजनिंग आई है, अभी जो यूपी कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं वो लगाने हैं रीजनिंग के। उसके साथ साथ एसएससी के जो टॉपिक है,
एसएससी की रीजनिंग करनी है, एसएससी की रीजनिंग के मॉक टेस्ट लगाने हैं, एसएससी के रीजनिंग के मॉक टेस्ट आपको अलग से लगाने हैं, जो अभी जो लेटेस्ट टीसीएस के पैटर्न जब से 25-25-25 क्वेश्चन जो आने हैं टीसीएस पैटर्न पे लगाने हैं, और मैंने जो बुक पे क्वेश्चन रखे हैं वो भी टीसीएस पैटर्न पे रखा है, ठीक है। एसएससी के भी रीजनिंग के मॉक टेस्ट लगाने अलग से, डेली एक मॉक टेस्ट आप जरूर लगाओगे, स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे। अगर आपका लेवल कमजोर है तो आप वीक में दो मॉक टेस्ट लगाओ रीजनिंग के, एवरेज है तो तीन लगाओ, स्ट्रांग है तो चार लगाओ। अगर आप कमजोर हो तो वीक में दो रीजनिंग के मॉक टेस्ट लगाने हैं, दो मॉक टेस्ट वीक में, सप्ताह में। अगर आप एवरेज हो, सामान्य हो, नॉर्मल हो, ठीक है, सामान्य हो नॉर्मल हो अगर आप, तो वीक में आपको तीन मॉक टेस्ट लगाने रीजनिंग के, बस अकेली रीजनिंग के, ठीक है। और अगर आप स्ट्रांग हो तो वीक में चार मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि अगर आप स्ट्रांग हो तो चार मॉक टेस्ट फटाफट लगा दोगे और स्ट्रांग बन जाओगे। अगर आप वीक हो तो दो सप्ताह में, तीन चार सप्ताह में रीजनिंग का, अकेली रीजनिंग का बस, और कम से कम टाइम में लगाना, बड़े फास्ट तरीके से, जल्दी 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 जल्दी। आपको कमजोर से इस पार्ट में ले आऊंगा मैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही ये मॉक टेस्ट लगाओगे, इन मॉक टेस्ट पे एनालिसिस करना, इन मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना, कुछ कमजोर टॉपिक फिर निकल के आएंगे, फिर फिल्टर होकर के आएंगे, उन्हीं फिल्टर टॉपिक को मेरी वीडियोज फिर से देखना, उन कमजोर टॉपिक की, उन कमजोर टॉपिक की फिर से स्ट्रांग करना। कमजोर को कमजोर रहने नहीं देंगे ना भाई, एक भी टॉपिक को। उसके बाद क्या करना है, आपके अप्रैल में, मई में, जून में, मान लो जुलाई में, कब पेपर होगा पता नहीं, अप्रैल में आपको दो कंप्लीट टेस्ट लगाने हैं वीक में, कंप्लीट टेस्ट। मई में आपको तीन कंप्लीट टेस्ट लगाने, जून में आपके चार कंप्लीट टेस्ट लगाने, पांच में आपको कंप्लीट पांच वीक में, एक वीक में बोल रहा हूं ये मैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट। आपको 12 से 14 घंटे पढ़ाई करनी है, अगर आप नहीं कर सकते ना तो आप पीछे हट जाओ 12 से 14 घंटे, क्योंकि रैंकर्स गुरुकुल में जो बच्चे रह रहे हैं ना, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन चलती है रैंकर्स गुरुकुल, उसमें जो रह रहे हैं ना, इतने घंटे पढ़ते हैं। 1 अप्रैल से मैं यूपीएसआई वाले बच्चों की ऐसी खिंचाई करने वाला हूं रैंकर्स गुरुकुल में, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा उनको भाई किस तरीके से कितना पढ़ना है, हिंदी में कितना पढ़ना है, हिंदी के टीचर को ला करके भाई कितना पढ़ना है, हिंदी के कौन से नोट्स पढ़ने, मूल विधि के कौन से नोट्स पढ़ने, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा, बट ना बड़े ढंग से तैयारी करवाऊंगा, ठीक। रैंकर्स गुरुकुल के जो बच्चे हैं, रैंकर्स गुरुकुल में अगर आप रहना चाहते हो तो बच्चे ये, एक मिनट, तो ये है कॉन्टैक्ट नंबर। इसकी थोड़ी सी कंडीशन बता देता हूं, इसमें क्या है कि एक ही जगह रहना, खाना, लाइब्रेरी, क्लास, कोचिंग, सब कुछ एक ही जगह पे है। मतलब आप बिल्डिंग में एंटर कर गए तो बाहर तभी निकलना जब वर्दी शरीर बदन पे हो, बाहर निकलने देंगे, जेल नहीं है, बट अंदर माहौल ऐसा ही बनाना है, खिंचाई करनी है पूरी, बढ़िया तरीके से पढ़ाना है अच्छे से। अगर डेडिकेटेड हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, वरना आप घर पे बैठ करके बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। बाकी सारी गाइडेंस आपको बैच में देता रहूँगा। कैसी लगी वीडियो, क्या कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन कितने मार्क्स आते हैं, कौन सा टॉपिक वीक है, क्या और चाहिए आपको, ये कमेंट करके जरूर बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू, लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू।